लिए ये काम करेंगे। सबसे पहले जो है सुरक्षा की जो भी जितनी व्यवस्थाएं हैं उसको महिला छात्रावास नहीं है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से महाविद्यालय के प्रचार द्वारा प्रेषित करवाया जाएगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से इनको पैसा मिले, महाविद्यालय में महिला छात्रावास हो अलग से, जो शुरू से नहीं है उसको करने के लिए कराने के लिए प्रेरित होकर ये काम कर रहे हैं। और यह पारिवारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, हर तरीके से ये जो है लगे हुए हैं। इनके परिवार के भी लोगों ने क्षेत्र में समाज में सेवा किया, तो इनके अंदर वो पहले से है सेवा करने की भावना है, जिसके भी काम कर रहे हैं और आगे भी इस पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छात्र हित की लड़ाई आज 4 वर्षों से लड़ता है हूँ और मैं छात्र के लिए आगे भी लड़ते रहूँगा। और मैं BRD BD फिजिकल आश्रम उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम दुर्गेश यादव है। आप छात्रों के लिए क्या दिखाना चाहते हैं, छात्रों का कैसे सहयोग करेंगे? अरे छात्रों के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। छात्र हित की लड़ाई में अपने कदम कदम पर उनके साथ रहूँगा, मैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर। BRD PG कॉलेज में कुछ कमी देखी तभी तो ना चुनाव लड़ने के लिए फैसला किया। उसमें पानी लचर व्यवस्था होने के कारण मैंने शैक्षणिक कार्य में जो दिक्कतें आईं BSC कॉलेज के लिए, हर चीज़ के लिए मैंने इस लड़ाई को लड़ी, मैं इसलिए चुनाव लड़ा हूँ। छात्र संघ, सबसे पहले जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको शुभकामना देता हूँ। छात्र संघ की तरफ से हम सभी छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी, हम छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, निशिकांत दीक्षित मेरा नाम है और हमारे साथ त्रिपुरेश कावत जी हैं, हमारे बड़े भाई रिंकू सिंह जी, सभी लोग जो है मिलकर दुर्गेश यादव को प्रत्याशी इसलिए घोषित किया गया है कि दुर्गेश शुरू से जुझारू रहे हैं, छात्र हित की लड़ाई लड़े हैं, महाविद्यालय में जो भी समस्या आई है उसके लिए इन्होंने शुरू से लड़ाई लड़ा, इसलिए इनको उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार घोषित किया गया पूरे संगठन की तरफ से और पूरा संगठन के साथ तन मन धन से हर स्तर से इनके साथ है। कुछ दिन चुनाव टाल दिया गया था सरकार के तहत, इस पर आप लोग क्या सरकार की तरफ से जब टाला गया था तो सरकार की पूरे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लगाए, लखनऊ विश्वविद्यालय से लगाए, बनारस से, हर जगह पूरे जगह से छात्र संघ के नौजवानों ने दबाव बनाया और उसका नतीजा है कि सरकार को मजबूरन चुनाव कराने का उनको ऐलान करना पड़ा। विश्वविद्यालयों में नहीं कराना, विश्वविद्यालयों में होगा, जब हम लोगों का महाविद्यालय का चुनाव कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग विश्वविद्यालयों तक जाके और छात्र संघ के चुनाव की मांग करेंगे। विश्वविद्यालय में भी चुनाव होना चाहिए, यह लोकतंत्र की नर्सरी है, इसको कोई सरकार दमन नहीं कर सकती है। अपने उपाध्यक्ष पद ही क्यों चुनाव के लिए? उपाध्यक्ष पद का इनका खुद का निजी फैसला था और सभी छात्र संघ के लोगों का भी फैसला था और अन्य पदों पे अन्य प्रत्याशी भी थे, तो अपनी ये आंतरिक हम लोग अपनी व्यवस्था देखते हुए इन्होंने उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। और महाविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था के लिए, महाविद्यालय में अन्य जो व्यवस्थाएँ हैं जो आज तक नहीं हो पाई हैं, हमारा महाविद्यालय 1970 के स्थापना वर्ष का है, बाबा राघोदास जी की स्थापना वर्ष उस समय का है और आज लंबे दिनों के बाद जो चीज़ें अभी व्यवस्था में नहीं हो पाई हैं उनके लिए इनके द्वारा उसको पूरा कराया जाएगा। और यही हम लोगों का पूरे छात्र संघ का एक हम लोगों की तरफ से सबसे जुझारू कैंडिडेट के रूप में थे। कितनी संख्या होगी आपके? हमारे यहाँ रेगुलर स्टूडेंट के आसपास में 3200 के आसपास संख्या है, 3200, और उसमें जो है पिछली बार 2100 से ऊपर मतदान हुआ था, इस बार हम उम्मीद करेंगे कि और ज़्यादा नौजवान मतदान करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ हज़ारों की संख्या में सैकड़ों छात्र संघ के सारे पदाधिकारी और सारे नौजवान जुटे हैं, सबके अंदर एक बहुत उल्लास है, उम्मीद है कि हमारे बीच में भाई दुर्गेश जी जाएँ और दुर्गेश जी छात्र संघ का नेतृत्व तो करें, एक बेहतर छात्र संघ का प्रतिनिधि बन के उभरें और हम सभी की शुभकामनाएं। आपने क्या सोचा लड़कियों के लिए? देखिए लड़कियों के लिए सबसे पहले जो है महाविद्यालय में सुरक्षा की हुआ है, किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था क्या रखी गई है आपके यहाँ? ठीक ठाक व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कितने प्रत्याशियों ने? 14 प्रत्याशी। प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और ठीक ठाक व्यवस्था है। और कॉलेज का जो मेरा स्टाफ है, सारे कर्मचारी हैं, सब लोग मन से लगे हुए हैं। पदाधिकारी थे यहाँ? जी पदाधिकारी कितने थे? पदाधिकारी यहाँ पे कितने लोग कार्य कर रहे हैं? कर्मचारी कितने हैं आपके यहाँ? देखिए नामांकन के लिए 2 काउंटर बनाया गया है जी, और हर काउंटर पर 6 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है जी, जिसमें टीचर भी हैं और ऑफिस के लोग भी हैं। अभी तक किसी का नामांकन कैंसिल हुआ है? नहीं, अभी कैंसिल हो भी नहीं सकता है। नहीं, मान लीजिए कुछ नहीं, क्योंकि 2 बजे तक नामांकन दाखिला होगा और 25 तारीख को 1 बजे तक चुनाव नामांकन हो रहा है। नहीं, शांतिपूर्ण माहौल में नामांकन चल रहा है। प्रशासन का पूरा सहयोग है। क्या है आप? चुनाव अधिकारी हैं हम यहाँ के। क्या नाम है? डॉक्टर विजय प्रकाश पांडे। और मेरी प्राथमिकता है जी कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए।
करवाते हैं अकेले खिलाफ हो गए। अगर ये पूछना है तो आप चुनाव बुलाए, चुनाव अधिकारी ये बताएं क्रिसमस के लिए नहीं डॉक्टर नहीं है प्रकाश पांडे रिपोर्टिंग करना है। हाँ हाँ नहीं ठीक है।